इंडिया पर सीतापुर के संदना इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि किसानों की मदद के लिए वहां पर गन्ना समिति के द्वारा मेले का आयोजन कराया गया था मंगलवार को, जिसके बाद देखा गया कि जो है किसान यूनियन के नेताओं व गन्ना पर्यवेक्षकों के बीच मारपीट हो गई और इसके बाद जो है 3 पर्यवेक्षकों को चोटें आई हैं। इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि गन्ना पर्यवेक्षक आज हड़ताल पर हैं और वह जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइंडिया के संवाददाता मोहित सिंह जी। तो मोहित जी बताएं, पहले कल ये मामला क्या हुआ था? और जी मैं आपको बता दूं कि गन्ना सर्वे प्रदर्शन मेला चल रहा है समिति, गन्ना समिति पर। उसी बीच में कुछ किसान आते हैं और कुछ गलत सट्टा बनाने को गन्ना पर्यवेक्षक के द्वारा कहते हैं, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक जब कुछ कमियां कागजों में होने के कारण मना करते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, तब वो गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं। जी बिल्कुल, तो काफी गंभीर ये मामला है। मोहित जी एक विस्तार से जानकारी हमें ये दीजिए कि इसमें जो 3 गन्ना पर्यवेक्षकों को चोटें लगना बताया जा रहा है, कौन कौन वो गन्ना पर्यवेक्षक हैं जिन्हें चोटें लगी हैं और विवाद कहां से शुरू हुआ और किस बात को लेकर हुआ? ये इसमें 3 लोगों को चोटें लगी हैं जो राम सेवक भार्गव हैं और एक शरद त्रिपाठी हैं और दिनेश सिंह सचान हैं। ये 3 लोग चोटें हुए हैं। जी बिल्कुल, इस समय सट्टा जो है बनाए जा रहे हैं, गन्ना किसानों के नए जमीन चढ़ाई जाती है, ये सब कार्य हो रहा है। तो इसको लेकर के कुछ एक मोहित मिश्रा नाम के मरेली निवासी हैं, किसान ही हैं, वो कुछ किसानों को लेकर पहुंचते हैं समिति पर और सट्टा बनाने को कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां होने कारण गन्ना पर्यवेक्षक जो है वो मना कर देते हैं शरद त्रिपाठी। इसी को लेकर के कुछ कहासुनी होती है उनसे, उसके बाद फोन करके मोहित मिश्रा एक पड़ोस गांव ही पड़ता है ये आमाघाट निवासी भारतेंद्र मिश्रा और बीयू मिश्रा, इनको बुलाते हैं। ये भी अपने एक दो किसानों को लेकर के आते हैं, फिर वहाँ होते हैं उनसे मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हो जाते हैं। उसके बाद तत्काल जो गन्ना निरीक्षक वहाँ पर पहुँच, जी आपकी आवाज कट रही है। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें, थाना संदना इलाके के रामगढ़ सरवा गन्ना समिति पर जो है 14 से 22 तक किसान मेले का आयोजन चल रहा है और इसी बीच जो है जानकारी ये मिल रही है कि गन्ना पर्यवेक्षक और किसान नेता मोहित मिश्रा निवासी मरेली, इसके अलावा भारतेंद्र मिश्रा निवासी आमाघाट समेत 4 युवकों के बीच में बताया जा रहा है सट्टा बनाने को लेकर के विवाद हुआ और विवाद में जो है गाली गलौज होना शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि मोहित मिश्रा के द्वारा भारतेंद्र मिश्रा निवासी आमाघाट को बुलाया गया, जो मौके पर 4 अज्ञात लोगों को लेकर के पहुंचे और इसके बाद वो गाली गलौज का जो माहौल था वो मारपीट में परिवर्तित हो गया। इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, कुर्सियां टूट गईं और जो गंभीर आरोप इस मामले में लग रहे हैं, पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब ये दबंग जिन पर आरोप लग रहे हैं किसान नेताओं पर, ये वहां पर पहुंचते हैं वो सीधे बातचीत न करके सीधे कुर्सियां उठाकर गन्ना पर्यवेक्षकों को मारना शुरू कर देते हैं। मामले में 3 गन्ना पर्यवेक्षक जिनके नाम का अगर मैं जिक्र करूं तो मामले में राम सेवक भार्गव, शरद त्रिपाठी व दिनेश सिंह सचान को गंभीर चोटें लगना बताया जा रहा है। मामले में जो वरिष्ठ CDI सच्चिदानंद समेत सभी गन्ना पर्यवेक्षक इसके बाद जो है थाना सदना पहुंचते हैं, वहां पर जो थाना प्रभारी हैं चंद्रभान यादव, उनको इस बात की सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और तहरीर के बाद ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो है किसान नेताओं के द्वारा उन पे मारपीट की गई है। हालांकि इस मामले में जो थाना प्रभारी चंद्रभान यादव हैं, उनका कहना है कि मामले का मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी ये निकल कर आ रही है गन्ना पर्यवेक्षकों के साथ जो ये मारपीट हुई है इसको लेकर उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो है आज सभी वो हड़ताल पर हैं। इसके अलावा उनका जानकारी ये मिल रही है कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को आज वो ज्ञापन भी सौंपेंगे।
तो आइंडिया लगातार इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और जो है आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। लगभग तकरीबन 1 बजे की बात है, हमारे समिति स्तर पर सट्टा प्रदर्शन मेला चल रहा था। हम लोग जो है किसानों को उनके जो गन्ना का डाटा है वो दिखा रहे थे। इतने इसी बीच में जो है मोहित मिश्रा और बीरू मिश्रा उर्फ धर्मेंद्र सिंह ये जो है आए और आ करके ताबड़तोड़ हम लोगों के ऊपर कुर्सियों से मारधाड़ करने लगे। उसमें शरद त्रिपाठी और मैं रामसेवक भार्गव ये दो लोग पर बहुत काफ़ी चोट आई, गाली गलौज किया, जात सूचक शब्द किया। और इसके पहले 2 साल पहले बीरू सिंह ने भी जो है हमें धमकाया था और मोहित मिश्रा के द्वारा हमसे जो है 20,000 रुपये की मांग की गई थी। ये मोहित मिश्रा किसान मंच के नेता हैं जो मरेली के निवासी हैं। सर ये हुआ कि सट्टा प्रदर्शन मेला चल रहा था उस समय ये अनाधिकृत रूप से जो है पूरे गांव के 10-12 सट्टा लेकर के आए थे और वो बनाना चाहते अवैध रूप से बनवाना चाह रहे थे, गलत सट्टे बनवाना चाह रहे थे। उन सट्टों की जांच के लिए हम लोग कह रहे थे कि जिन किसानों के ये जो फार्म हैं उन किसानों को लेकर के आए और तब हमको देखा जाए। तो इसी बीच में वो भड़क गए और मारधाड़ करने लगे, गाली गलौज बकने लगे, जात सूचक शब्द कहा और बहुत मारा। ये चोट आई है और बहुत सारी कुर्सियाँ और ये सब टूट गई और हमारे सर पे कम से कम 20 कुर्सियाँ मारी हैं उन्होंने। इस संबंध में लिखित एप्लीकेशन दी गई है, बाकी आगे जो कार्रवाई होगी। ना ये हुई कि इस समय समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला चल रहा है जिसमें मरेली के किसान हैं श्री मोहित मिश्रा, वो थे, उनके साथ कुछ और किसान थे, 4-5 की संख्या में आए थे हमारे पास। एक किसान के पास करीब 8 से 10 जो है नए सदस्यों के फार्म थे उसको लेकर के आए थे। तो हम किसान को संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक श्री शरद त्रिपाठी के पास भेजा, इनके पेपर चेक कर लीजिए, अगर पेपर सही पाए जाते हैं तो आप नए सदस्य बनाने के लिए इनकी रसीद आप काट दीजिए। तो यहाँ पे शरद त्रिपाठी उस पेपर को चेक कर रहे थे और शरद त्रिपाठी ने ये कहा भाई आप संबंधित किसान को बुलाइए, किसान के इस पे हस्ताक्षर होते हैं, पेपर पे हस्ताक्षर नहीं थे जिसके लिए किसान के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इसी बात को लेके कहा सुनी हुई तो मोहित मिश्रा जो है हमारे पास फ़ोन किए, हम अपने कमरे से निकल के मेला स्थल पे पहुँचे तो उस समय ये लोग आपस में वाद विवाद कर रहे थे। हमने इनको मना किया कि मोहित मिश्रा को भाई आपका काम हो जाएगा, पेपर चेक कर लें, पेपर सही पाया जाएगा तो आपकी रसीद गन्ना पर्यवेक्षक काट देंगे। तो मोहित मिश्रा और उनके साथ के कुछ लोग थे जिन्होंने, एक बीरू मिश्रा हैं आमा घाट के, भारतेंदु मिश्रा और बीरू मिश्रा, उनको फ़ोन करके बुलाए। बीरू मिश्रा जैसे ही सोसाइटी पहुँचे हैं उनको हम गेट पे ही रोकने का प्रयास किए लेकिन वो हमें वहाँ पे धक्का दे करके अंदर आ गए मेला स्थल पे। और पहुँचते ही वो चेयर पड़ी थी, चेयर उठा करके शरद त्रिपाठी और राम सेवक भार्गव को मारना शुरू कर दिए और इन लोगों ने कुछ रिकॉर्ड भी जो है फाड़ दिए और कम से कम 5-6 जो है चेयर है जिसको तोड़ दिए हैं और सरकारी कार्य में इन्होंने बाधा डाला। गन्ना पर्यवेक्षक को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने गाली दिया है। हमने जिला गन्ना अधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी है और इस समय हम कार्रवाई चाह रहे हैं, नियमानुसार जो कार्रवाई हो इन लोगों पर की जाए। इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे एक कर्मचारी कैसे कार्य कर पाएगा, जो बाहर से आके यहाँ रह रहा है वो कैसे काम करेगा, इस तरह से अगर गुंडागर्दी होगी तो काम कैसे होगा।